नहीं अब तो आराम है, बट रात से उनको ग्लूकोज लगी हुई है, अब भी चल रही है, पहले से राहत है। ये कहा जा रहा है सिर्फ बातचीत करने के डर से ऐसा बहाना बनाया, तो आप तो यहाँ इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि अभी सीमा के हालात को लेकर के दिखाना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों से ही पता चलेगा। देखो ये जो तबीयत जो खराब हुई है ये न्यूज वालों की ही देन है, क्योंकि परेशानी इतना कर फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है जाँच में, लेकिन ये भी तो है कि एक विभीषण ने भगवान से प्यार करा था, उनका नाम लेता था, और जो का अपना पूरा ही कुनबा मरवा दिया उसने, तो प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार में सब कुछ छोड़ देता है। जांच करने के बाद उनको दो, और साथ के साथ जो रोहिंगे और बांग्लादेश से हमारे भारतीय आए हैं जो हिंदू हैं, हिंदुओं को पहले दो, और रोहिंगिया और जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको वहीं भेजो, क्योंकि NRC और CA में लिखा है जो सताए हुए हिंदू हैं उनको नागरिकता मिलेगी। तो कहते दो दिन से गायब है, तबीयत खराब है, तो कह रहे लापता है। एक तो वो बुड़बक लिख रहा है मेंटल, पता नहीं कौन चैनल वाला है वो, है कह रहा है कि ये खिला दिया वो खिला दिया, कोई लिख रहा है कि उसने सचिन लेके गायब हो गया। कहाँ मीडिया ने तो मजाक बनाया हुआ है, मीडिया वालों ने तो मजाक बनाया हुआ, बड़ा गंदा मजाक बना रहे। किसी के घर की बहन बेटी है, बहू है वो, तमीज में रहो, कायदे में रहो, इज्जत से दिखाओ। क्या अपने परिवार का कोई मसला होगा तो क्या इस तरीके से दिखाते में कि बीमार हो गई। अभी आपके साथ अभी कोई ऐसा भगवान ना करे कभी वारदात होगी ना, तो अगर पुलिस भी चार बातें पूछती तो सही बतानी पड़ती है। अगर वो तो सीमा लांग कर अगर आई है तो अपने प्यार के लिए आई है, और कह रही है कि मेरे से छोटी सी गलती हो गई, एक कागज के टुकड़े में, एक कह रहा है पाकिस्तान, एक कह रहा है कश्मीर, एक कह रहा है लाहौर, अरे कुछ तो पता लगे बोलना क्या चाहते हो। थोड़ा सा यही चीज़ है कि वो बीमार होने का कारण यही है, पहले जाँच उसके बाद फिर सारी बातें सच बोलना, दिमाग से बोलना। घंटे में कि अब बीमार हो गई। अभी आपके साथ अभी कोई ऐसा भगवान ना करे कभी वारदात होगी ना, तो अगर पुलिस भी चार बातें पूछती तो सही बतानी पड़ती है। अगर वो तो सीमा लांग कर अगर आई है तो अपने प्यार के लिए आई है, और कह रही है कि मेरे से छोटी सी गलती हो गई, एक कागज के टुकड़े में मोहर नहीं लग पाई। अगर इस कागज के टुकड़े में मोहर नहीं लगी तो उन्होंने बता तो दी, मगर ये मीडिया वाले कौन होते ये बताने वाले कि वो गलत है। देश में कोर्ट पहले है, मीडिया पहले है, कोर्ट पहले है। हाँ आप तो मान रहे हो, ये क्यों नहीं मानते भाई, तुम काहे नहीं मानते भाई साहब, कोर्ट चलेगा, कोर्ट से पहले वो अपराधी घोषित कर देते हैं। तो क्या लग रहा है सीमा के मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है, मीडिया ने तो मजाक बनाया हुआ है, मीडिया वालों ने तो मजाक बनाया हुआ, बड़ा गंदा मजाक बना रहे। किसी के घर की बहन बेटी है, बहू है वो, तमीज में रहो, कायदे में रहो, इज्जत से दिखाओ। क्या अपने परिवार का कोई मसला होगा तो क्या इस तरीके से दिखाया जाएगा। देश की सुरक्षा का बात है, चलाया तो नहीं है, SIT कर तो रही है, योगी के राज में है वो, उत्तर प्रदेश के दायरे में अपराधी जो है ना, अगर अपराधी होगा तो उसके साथ वही बर्ताव किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जात मजहब और धर्म का हो, और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जाँच चल रही है, जमानत में बाहर है और पूरा जाँच में सहयोग कर रही है, मगर ब्रेकिंग न्यूज गलत तरीके से दिखाना, गलत तरीके से पेश करना, भाई साहब ये चीज़ अच्छी नहीं है। अपने घर पे है तो कहते हैं दो दिन से गायब है, तबीयत खराब है तो कह रहे लापता है। एक तो वो बुड़बक लिख रहा है मेंटल, पता नहीं कौन चैनल वाला है वो, है कह रहा है कि ये खिला दिया वो खिला दिया, कोई लिख रहा है कि उसने सचिन लेके गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, क्या खा लिया है, गांजा वांजा पी रहे हो क्या तुम लोग। मीडिया से नाराज लग रहे नहीं भाई साहब, मीडिया से नाराज नहीं, मीडिया तो भारत की मीडिया वर्ल्ड की नंबर वन मीडिया है। बंदा गिरता है नाले में, कहते हैं समुंदर में गिर गया, बंदे को काटती है सपोज करो मच्छर तो कहते हैं सांप ने काटा तो मर गया, और आप लोग ना फुंसी को बवासीर दिखाते हो। हाँ राई का पहाड़ बना देते हो, नहीं भैया ताली वाली मत मारना, वो पुलिस वाला आ जाएगा, कल यहाँ बवाल कटा, बिल्कुल शोर मत बचाओ, नॉर्मल कर लो। अभी मुद्दा ये है कि जांच का है, जांच चल रही है, मगर इतना ट्रायल भैया, सबसे ज़्यादा मेरे को तो समझ नहीं आती आपके खुफिया तंत्र कहाँ होते हैं, ये आपकी जो मतलब ये जो होते हैं ना कहते हैं विशेष सूत्र, ये कहाँ मिलते हैं विशेष सूत्र। डिजिटल मीडिया वाले हैं, आप पे कहे गुस्सा, नहीं नहीं आप पे नहीं, आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने फिरकी ली है, इनके विशेष सूत्र कहाँ सूत्र रहेंगे। अरे जितने सूत्र आपके उतने तो मंगल सूत्र में दाने भी नहीं होते होंगे जितने विशेष सूत्र आपके है। पता नहीं कहाँ कहाँ आपके विशेष सूत्र घूम रहे। अच्छा ये जो खबर चल रही है, आप दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं, लगातार आ रहे हैं और सीमा के लिए आवाज उठा रहे हैं ताकि सीमा को नागरिकता मिले, खबर चल रही है कि सीमा बीमार, नागरिकता मिले। मैं ये कह रहा हूँ पहले जांच करो, जांच करने के बाद उनको दो, और साथ के साथ जो रोहिंगे और बांग्लादेश से हमारे भारतीय आए हैं जो हिंदू हैं, हिंदुओं को पहले दो, और रोहिंगिया और जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको वहीं भेजो, क्योंकि NRC और CA में लिखा है जो सताए हुए हिंदू हैं उनको नागरिकता मिलेगी। और जो गीतेश ठाकुर, गीतेश कुमार सिंह, सीमा को लेकर के अगर देखा जाए तो कई तरह की खबरें चला दिया जा रहा है, अब ये खबर आ रहा है कि सीमा बीमार है,
क्या सच्चाई है? हाँ बीमार है सीमा, रात से बीमार है, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, ग्लूकोज चढ़ रही है उसकी। बीमार है? बीमार है। क्या वजह है बीमार? कल पूरे दिन मीडिया में रही हैं और बात करते 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 काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और आज तबीयत काफ़ी ख़राब है उनकी, तो उनका इलाज चल रहा है और इसलिए किसी को मिलने नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप यहाँ के रहने वाले हैं, यूपी एटीएस की पूछताछ हुई, कई तरह की खबरें आई, अब आप लोगों को जिस तरह से 100 घंटे की पूछताछ हुई यूपी एटीएस की, आप लोगों को अब इस पूरे प्रकरण में क्या समझ में? एटीएस की जांच चल रही है, कंप्लीट हो चुकी है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, कर रही है एटीएस का, उसकी जैसे भी खबर आती है उसमें उसको योगी बाबा की जो राय होगी वो मान्य होगा। आपको लगता है कि सीमा जासूसी वाला काम करने आई या फिर मोहब्बत में आई? नहीं, अभी एटीएस की का हमारे पास कोई क्लीन चिट नहीं आई, अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप क्या कहेंगे ताऊ, खुश हैं पाकिस्तान से आ गई है? देखो हमको तो खुश क्या, उसको तो बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, यहाँ पर इतना प्यार मिल रहा है कि हमारे समाज का पूरा क्षेत्रीय का प्यार मिला हुआ और बड़ी खुश है। कह रहे हैं लोग कि जासूस बन के आई है, पूरा चल रहा है। देखो एटीएस जैसी जांच कर रही है, जबकि एटीएस वो एजेंसी है कि वो बाल में से खाल निकाल लेती है, लेकिन एटीएस ने उसकी जांच की, लेकिन उसका कोई भी जासूसपना एटीएस के हाथ नहीं आया, ना एटीएस इस चीज़ को अभी तक पता भी नहीं लगा पाई है कि ये क्या जासूस है। अभी चल रही है जांच, अभी जांच चल रही है, जब जी मारते जब ही उठा के ले जाते हैं। जब हम लोग यहाँ आए तो सीमा बीमार चल रही है, आप उसके मोहल्ले के हैं, आपके यहाँ आए हुए है, क्या लग रहा है बीमार चल रही है? मैंने देखा उसको, बीमार चल रही है, तो नहीं बीमार है और उस पर ग्लूकोज लगाई जा रही है। कह रहे हैं कि मीडिया से बातचीत करने के लिए झूठ बहाना है। बिल्कुल झूठ बहाना है, झूठा है, वो वास्तव में ही बीमार चल रही है, उस पर ग्लूकोज लग रही है और जो डॉक्टर उसकी देख रेख कर रहे हैं। एक पाकिस्तान वहाँ पे सीमा को लेकर के जो है हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है, मंदिरों पर हमला करने की बात कही गई, शायद किया भी गया, उधर कहा जा रहा है कि 2-3 हिंदुओं को जबरन शादी करवा दिया जा रहा है मुसलमानों से धर्म परिवर्तन करके, ताकि सीमा को वापस भेजो, प्रेशर बनाया जा रहा है, पाकिस्तान को क्या कहेंगे? पाकिस्तान ये जब बंटवारा हुआ था 1947 में, पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो हिंदू पाकिस्तान की जिम्मेदार क्या हो रहा है उससे हमें कोई मैटर से पता नहीं, जो वहाँ हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं या वक्त में कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, अपराधी करा जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो हम उन हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि अगर जाता ही अत्याचार हो रहा है तो हिंदुस्तान आ जाए, अपना वीजा बनवा के वहाँ क्यों रहते हैं जब प्रताड़ित हो रहे हो और तुम अच्छी तरह से रह रहे हो, तो ये थोड़ी सी का कि मैं सरकार जो मीडिया हमारे पाकिस्तान की या तो हमें अफवाह दिखा रही है या क्या हो रहा है इसके मैटर में हमें जानकारी नहीं। बोलिए, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको तो बिल्कुल ये बता दें कि हमको पता भी नहीं है कि हमारी मतलब सीमा भारत चली गई, उनको तो ये भी पता नहीं है कि हमारी सीमा भारत चली गई, लेकिन ये मीडिया उनकी तो मीडिया को पता नहीं है कि हमारी सीमा भारत चली गई, उनकी मीडिया को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब ये वहाँ पर जिल्लत की ज़िंदगी जी रही थी, यहाँ पर इज्जत की ज़िंदगी जिएगी ये सीमा, समझे, और वहाँ पर कोई प्यार नहीं था, यहाँ पर भरपूर प्यार मिल रहा है इसको। आप लोग खुश हैं? अरे हम क्या, पूरा उसका परिवार खुश, हम खुश, जब परिवार खुश है तो हम भी खुश हैं, लेकिन अब उसको सीमा हैदर ना कह करके उसको सीमा मीना के नाम से जाना जाए, मेरी मीडिया वाले से ये रिक्वेस्ट है कि बार बार ये कहते हैं कि सीमा हैदर नहीं, अब वो सीमा हैदर नहीं, अब वो सीमा मीणा कहलाएगी और सीमा मीणा के नाम से उसको जाना जाए, मेरी सभी मीडिया कर्मियों से ये अनुरोध है कि वो सीमा मीणा ही कहलाएगी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, एकदम जांग पे जांग हाथ पैर डाले हुए हैं, पाकिस्तान से आ गई ये सीमा इसीलिए पूरा खुश लग रहे हैं? देखिए आ गई है तो उसको रहने दीजिए, और मैं तो योगी जी से यही करूँगा कि उसको क्लीन चिट मिलनी चाहिए और सभी लोग खुश हैं, पूरा हिंदुस्तान का हिंदू समाज खुश है। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ बिल्कुल एकदम। खुश इसलिए है कि पाकिस्तान से आई मुसलमान थी हिंदू बन गई, या फिर दूसरा वजह? देखिए कोई दुश्मन कोई भी है, रामचंद्र जी रावण से दुश्मनी हुई तो विभीषण उसका भाई रावण का भाई आया शरण में, तो उन्होंने लिया, बड़े प्यार दिया और इज्जत दिया, और देखो जब इसने सचिन को प्यार दिया है इज्जत दी है तो हमें हमारा कायदा बनता है कि उसको शरण में रखना। लेकिन कहा जा रहा था कि सीमा जो है जासूस हो सकती है, यूपी एटीएस ने पूछताछ भी किया है,
तो ऐसे में आपका क्या कहना है, और ये भी कहा जा रहा है कि सीमा के अभी के हालात कैसे हैं? देखो जांच करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जांच में, लेकिन ये भी तो है कि एक विभीषण ने भगवान से प्यार करा था, उनका नाम लेता था, और जो का अपना पूरा ही कुनबा मरवा दिया उसने, तो प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार में सब कुछ छोड़ देता आदमी, प्यार में आ गई सब कुछ छोड़ देता आदमी, इसलिए उसको प्यार से रखा जाए जब शरण में आ गई है तो। क्या बोलेंगे तब सीमा को लेकर? बोलो ही ना, खुश है नाराज है इतना बता दीजिए। हम भी खुश हैं, सीमा यहाँ रहने पे हम भी खुश हैं, वहाँ परेशान थी इसलिए यहाँ आ गई, वो बेचारी ठीक ठाक है इसलिए हम भी खुश हैं। पाकिस्तान कह रहा है भेज दीजिए, भेज दीजिए वहाँ जा करके ये मार दी जाएगी, फिर हम क्या खुश हैं, कुछ भी खुश ना है। आपको लगती है, आप तो उम्र दराज हैं, क्या लगता है उसके आव भाव से जासूस लग रही है? जासूस या ये देखेंगे अपना, जो सरकार अपने आप निर्णय लेगी। फिर भी आपको क्या देखने में क्या लगता है? देखने से ही पता चलता है ना कि आप तो काफ़ी बुजुर्ग है, गांव में पता चल जाता है शकल से कैसा कौन है। मैं तो जंगल में रहता हूँ, इन्हीं से बात करो मुझसे। चलिए कुछ लो और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर, काम कर रहे सर? सुभाष नाम है सर मेरा। सुभाष नाम है आपका जी। सीमा का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं? सर सही है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे न्यूज़ वालों ने जो भी फैला रखी है अफवाहें, न्यूज़ वालों ने ही फैला रखी है। अभी सुभाष जी सीमा की तबीयत कैसी? नहीं अब तो आराम है, बट रात से उनको ग्लूकोज लगी हुई है, अब भी चल रही है, पहले से राहत है। ये कहा जा रहा है सिर्फ बातचीत करने के डर से ऐसा बहाना बनाया, तो आप तो यहाँ इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि अभी सीमा के हालात को लेकर के दिखाना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों से ही पता चलेगा। देखो ये जो तबीयत जो ख़राब हुई है ये न्यूज़ वालों की देन है, क्योंकि परेशानी इतना कर दिया उसको कि उसकी मेंटली प्रॉब्लम और कुछ थकान ज़्यादा, वो दोनों को ही इसलिए बोतल चढ़वानी पड़ी है। अब भी चल रही है, पहले से सुधार है काफ़ी ज़्यादा। उधर पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है सीमा को लेकर के, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके यहाँ सीमा आई है और पूरा देश में चर्चा बना हुआ है रबूपुरा, रबूपुरा का नाम जैसे ही सामने आ रहा है वैसे सीमा सचिन की कहानी है। सर ये तो 1947 से चला आ रहा है, अब क्या करेंगे, अब तो सीधा क्या है कि सीमा का नाम रख देते हैं आगे कि सीमा की वजह से हो रहा है। उससे पहले किसकी वजह से कर रहे थे ये? पहले 28% थे, अब 2% हो गए, मुझे लग रहा है कि 1% रह गए दिखे। पहले किसके वजह से कर रहे थे? पहले कोई और सीमा आई थी क्या? अब तो सीमा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले क्या कर रहे थे पाकिस्तान? लेकिन ATS ने जिस तरह से पूछताछ किया, क्या लग रहा है कुछ जासूसी वाला एंगल आपको समझ में आ रहा है? सर अगर जासूसी वाला एंगल होता ना तो अब तक ये गिरफ्तार हो चुकी होती। 5 दिन की रिमांड रही है ATS की, मगर उसमें अभी तक कुछ नहीं निकला है, कोई भी कैसा भी सबूत नहीं निकला इसके खिलाफ। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को क्या कहेंगे, यहाँ का वर्तमान हालात क्या है, किस तरह का माहौल है? यहाँ का माहौल एकदम बढ़िया है, बट हमारे यहाँ के जो माहौल को जो बिगाड़ रही है सिर्फ मीडिया ही बिगाड़ रही है, ये माहौल हमारे यहाँ का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है कैसा भी माहौल के अंदर। चलिए तो ये सीमा हैदर के गांव में हम लोग आए थे और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं लगातार कि किस तरह का माहौल है और क्या कुछ यहाँ के लोग जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि सीमा को लेकर के तरह तरह की खबरें चल रही है। उसमें कहा जा रहा है कि सीमा के जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है वो ख़राब चल रहा है और ये हम आपको दिखाने का प्रयास करें, तो ताज़ा माहौल क्या कुछ था ये हमने आपको दिखाया सीमा और सचिन को लेकर के। और रबूपुरा में हमारी टीम इस वक्त मौजूद है और लगातार आगे भी तमाम खबरों को आपको पहुंचाते रहेंगे और ग्राउंड पे पहुंचकर इसलिए पहुंचा रहे खबरों को क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में कई चैनलों पर तमाम तरह की बड़ी बड़ी खबरें चल जा रही है जिसमें कहीं ना कहीं खबरों का पुष्टि नहीं किया जा रहा है, थंबनेल पे कुछ और दिखाया जा रहा है, नीचे कुछ और चल रहा है, तो यही तमाम चीज़ों को ग्राउंड जीरो से हम दिखाने के लिए रबूपुरा में मौजूद हैं और ये तमाम पल पल की खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी हमने सीमा सचिन से बात किया था जिसमें सीमा सचिन ने कई बातों को कहा, उसने साफ तौर पर पूरा वारदात बताया था कि कैसे वह पाकिस्तान से वाया नेपाल होते हुए काठमांडू होते हुए सीधे तौर पर ग्रेटर नोएडा पहुंची थी, कहां कैसे क्या कुछ हुआ था, ये तमाम चीज़ों को हम दिखा रहे थे। तब तक के लिए शुक्रिया। और उनके वकील का भी कल यहां पे आने का सूचना मिला है जो एपी सिंह है, हालांकि हमने एपी सिंह से कल बातचीत किया था जिसमें एपी सिंह ने भी ये कहा था कि हम उनके गाँव चलेंगे और सीमा को उन्होंने समर्थन दिया है और याचिका लगाई गई राष्ट्रपति के पास कि नागरिकता दी जाए। तमाम प्रकरण क्या कुछ होगा, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
तो गलती मार गया ना, दीपक ने।